हर इनिंग का एक एक्साइटमेंट रहता है, तो उसी तरह मेरा भी एक एक्साइटमेंट है कल के लिए। ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो गया आपको तो मैच ही करवाना है। नहीं, लेकिन देखिए कोशिश करेंगे, अच्छी फाइट देंगे, और जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो अच्छा फाइट देखने को मिलता है। तो कैप्टन का बिल्कुल, नाइट राइडर के लिए जब खेलता था यहाँ पे, जब मैंने 550 बनाया था, तो आप सभी ने देखा। यूसुफ पठान सियासी मैदान में अपनी पहली पारी जीतने के लिए बंगाल की भूमि पर उतर चुके हैं। यूसुफ के लिए बहरमपुर लोकसभा सीट से मैच जीतना काफी चुनौती भरा होगा, क्योंकि उन्हें कांटे की टक्कर देने वाले हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीररंजन चौधरी। वही अधीररंजन चौधरी जो पिछले 5 सालों से सीट पर बतौर सांसद बने हुए हैं। साल 1999 से उन्हें कोई भी पार्टी नहीं हरा पाई है, मगर कहते हैं ना, पॉलिटिक्स और फिल्मों की दुनिया में कब रातों रात क्या कुछ बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता। फिलहाल पश्चिम बंगाल के बहरमपुर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार यूसुफ पठान चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता पहुंच चुके हैं। वो संवाददाताओं से बात करते हुए जीत के लिए काफी आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि कोलकाता मेरा दूसरा घर है, अपोजिशन टीम को हराने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। देखिए मैदान बिल्कुल अलग है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है वो सेम रहेगी। जो मेरी टीम की एक्सपेक्टेशन रहती थी जल्दी जल्दी रन बनाऊ, मैच जिताऊ, यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी लोगों की, उनके लिए जो आया हूँ मैं यहाँ पर काम करने के लिए, और जो मेरी टीम ने काम किए है उसको और आगे लेके जाना है। 2007 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल था और ये जो पहला लोकसभा का चुनाव, कौन आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है? देखिए दोनों टीम मेरे दिल के करीब है और काफी एक्साइट हूँ मैं, और एक्साइटमेंट मेरे में है कि जब मैं पहला वर्ल्ड कप खेला था भारत के लिए अगेंस्ट पाकिस्तान और हम लोग मैच जीते भी थे, और यहाँ पर पॉलिटिक्स में भी मैं आया हूँ, तो अच्छी ओपनिंग के साथ मेरा मैच होगा, तो उसके लिए मैं काफी एक्साइट हूँ और इंशाल्लाह जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। तो पांच बार क्या दो बीजेपी का कैंडिडेट है, एक तो बीजेपी का है और दूसरा आप बीजेपी का है, क्योंकि आप गुजरात से आते हैं तो इसलिए बोलते हैं। गुजरात से मैं आया हूँ, मेरा जन्मभूमि है गुजरात में और ये मेरा कर्मभूमि है, यहाँ पे मैंने बहुत काम किया है बहुत और आगे भी मुझे और काम करना है। दादा इतना जो प्यार मिला आने के बाद, इतना भीड़ ग्राउंड में मिलता था वो गैलरी में लोग देखते थे, तो क्या लगा ये खेला होगा? आपने शायद कहा भी है बिल्कुल खेला होगा, बिल्कुल होगा। और देखिए मैं जब ग्राउंड में खेलता था तो 75-90 yards के बाद जो लोग होते थे उनकी फीलिंग पता चलती थी, एनर्जी पता चलती थी, उनकी जो मोहब्बत है वो थोड़ी दूर से 90 yards से पता चलती थी, लेकिन आज ये जो मौका मुझे दिया है ममता दीदी ने और अभिषेक ने और यहाँ के जितने भी लोग हैं जो मेरी टीम के लोग, उन्होंने मुझे यहाँ करीब लोगों के बिल्कुल करीब लाया है, तो उनका ये प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के, वो एनर्जी मुझे अच्छा फील करा रही है। यूसुफ जी ये 5 times ये MP है आदित्य चौधरी, अभी आप सीट छक्का मारेंगे? नहीं देखिए तो 5 times बिल्कुल MP रह चुके हैं और अब दौर बदलने वाला है, बहुत से बहुत बदल गए, बहुत से चेंजेस आए और जो चेंजेस आते हैं अच्छे के लिए आते हैं और लोग मानते भी और पसंद भी करते हैं कि अच्छे के लिए चेंजेस होने जरूरी होते हैं। बता दें TMC ने यूसुफ पठान को बहरमपुर सीट से उतारने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, क्योंकि इस क्षेत्र के लगभग 60% वोटर्स मुस्लिम हैं। एक मुस्लिम चेहरा होने के साथ साथ यूसुफ एक प्रतिभाशील क्रिकेटर भी रह चुके हैं, जिसका पूरा फायदा TMC को मिलेगा। पिछली बार बहरमपुर लोकसभा सीट के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 सीटों पर TMC को जीत मिली थी और 1 सीट पर BJP जीती थी। TMC के लिए एक अच्छी बात ये भी है कि पहले जो भरतपुर के TMC विधायक हुमायूं कबीर यूसुफ पठान की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे थे, उन्हें बाहरी कह रहे थे, अब वो यूसुफ का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल कबीर ने एक वीडियो संदेश में कहा कि उन्होंने TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के साथ बैठक के बाद यूसुफ पठान को समर्थन देने का फैसला किया।
वैसे तो मुर्शिदाबाद जिले का बहरमपुर कांग्रेस का गढ़ है, भले ही कांग्रेस ने अभी तक चौधरी को इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित ना किया हो, मगर अधीरंजन ने साफ कह दिया है कि वो लड़ेंगे तो इसी सीट से लड़ेंगे। वहीं जब से टीएमसी ने यूसुफ को बहरमपुर सीट से चुनावी मैदान पर उतारने का फैसला लिया है, तब से विपक्ष लगातार यूसुफ को बाहरी बता रहे हैं। भाजपा ने यूसुफ पठान को अपने उम्मीदवारों में से घोषित करने के लिए टीएमसी की आलोचना की है। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी बाहर से लोगों को लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान बंगाली हैं, यूसुफ पठान गुजरात से हैं और पीएम मोदी भी, लेकिन उनके लिए पीएम मोदी एक बाहरी व्यक्ति हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूसुफ सियासी मैदान पर भी छक्का जड़ सकेंगे, ओपोजिशन पार्टी के बाउंसर को फेस कर उन्हें करारी शिकस्त दे सकेंगे। क्या 5 साल से कांग्रेस द्वारा राजत्व किए जा रहे बहरमपुर सीट पर टीएमसी कब्जा कर पाएगी? खैर, ये तो 4 जून को आने वाले चुनाव नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज 24।